प्यारे बच्चों, रचना वाले अध्याय में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे सामने एक लक्ष्य है कि हम लंब समद्विभाजक की रचना करें। लंब समद्विभाजक, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि एक ऐसी रेखा हमें खींचनी है जो किसी दिए हुए रेखाखंड पर लंब भी हो और उसे दो बराबर भागों में बांटते भी हो। इसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ए बी एक रेखाखंड हमें दिया हुआ है। हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है जो ए बी के मध्य बिंदु से गुजरती हो, यानी इसके दो बराबर भाग भी करती हो और इस पर लंब भी हो। तो देखिए, नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये काम बहुत आसान है। हम प्रकार के मदद से ये वाली रचना करेंगे। प्रकार को हम इतना फैलाएं कि अंदाज से इसके जो माप है वो रेखाखंड के आधे से अधिक हो जाए। ये देखिए, हमने इतना फैलाया कि वो लगभग इसके आधे से कहीं दूर तक चला गया। अब उस चाप के आधार पर आप ऊपर एक चाप काटिए इस त्रिज्या का, और नीचे भी एक चाप काटिए। अब बिना इस फैलाव को, इस लंबाई को बदले, आप उस प्रकार की नोक को ए पर रखिए, और जैसा आपने ए बी के ऊपर और नीचे चाप काटा था, ठीक वैसी चाप आप यहाँ से फिर से काट दीजिए। अब आपको देखेंगे कि ये दोनों चाप जो आप काट रहे हैं, वो पहले वाले चाप को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटते हैं। मान लीजिए आप इनका कोई नाम दे दें, और मान लीजिए ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। अब आप इन्हें मिला दीजिए। ये देखिए, कितनी आसानी से आपने एक लंब समद्विभाजक खींचा। हमने इन दोनों को मिला दिया, ये मिला दिया आपने इसको। अब इसे रेखा से प्रदर्शित कर दें और इसका नाम दे दें। मान लीजिए रेखा एल है। तो जो एल है वो रेखाखंड ए बी को दो बराबर भागों में बांट रही है और इस पर लंब भी है। आप चाहें तो इसे नाप के देख सकते हैं। आप नापेंगे तो आपको ये दोनों को 90-90 अंश के मिलेंगे। और ये जो टुकड़े हैं, जो दो हिस्से यहाँ पर हुए हैं, आप इसका नाम अगर दे दें, ये ए ओ है तो ये ओ बी के बराबर होगा। तो इस तरह से आपने लंब समद्विभाजक की रचना कर ली। अब इस रचना के साथ एक और बात जुड़ती है जो आगे आने वाले रचनाओं में आपकी मदद करती है, उसको हम देखें। मान लीजिए आप कोई बिंदु यहाँ पर लेते हैं, सपोज़ इसका नाम आप पी कह दें। कोई भी एक बिंदु आपने लिया, ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, और इस पी को आपने ए और बी से मिलाया। हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखना चाह रहे हैं कि एक और गुण हमें यहाँ पर मिलने वाला है कि इस लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु है वो एक खास गुण रखता है। वो गुण क्या है अभी हम देखते हैं। यहाँ पर तो हमने कोई भी एक बिंदु चुना इस लाइन पर, वो बिंदु P कहीं भी हो सकता है। अब आप देखिए, ऐसा करने से आपको दो त्रिभुज मिल रहे हैं, त्रिभुज पी ए ओ, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ, पी बी ओ, ये दूसरा त्रिभुज आपको मिला। इन दोनों त्रिभुजों के यदि आप सर्वांग सम सिद्ध कर सकें तो कोई चीज़ आपको मिलेगी क्या? चलिए करके देखते हैं। अब आप देखिए, पी ए ओ इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं और पी बी ओ को देख रहे हैं। तो आपने देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में, चूंकि ये एक लंब समद्विभाजक है, उस स्थिति में ये जो दोनों कोण बन रहे हैं ओ पर, दोनों त्रिभुजों में ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये समकोण होंगे। और आपने ये कहा कि जो ये रेखा है वो इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ए ओ बराबर बी ओ होगा। तो आप इस इन चीज़ों को लिखते जाएं। सबसे पहले आपने कहा कि कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी, कोण पी ओ बी, और फिर आपने कहा कि ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। ये लंब समद्विभाजक के गुण से आपने पाया है कि ये जो रेखा है वो ए बी का लंब समद्विभाजक है। उस स्थिति में ये हिस्सा इसके बराबर है और ये दोनों कोण समकोण हैं। तो ये चीज़ें आपने लिख ली। अब आप देखिए, कोई एक चीज़ और आपको ढूंढनी है जो इनसे संबंधित है। आप देख रहे हैं कि जो पी ओ है वो दोनों में है। अब ये भी लिख लें, पी ओ बराबर पी ओ, ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज पी ए ओ की दो भुजा पी ओ और ओ ए, दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं क्रमशः पी ओ और ओ बी के क्रमशः बराबर हैं, और इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाले कोण भी आपस में बराबर हैं। ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो आप लिखेंगे त्रिभुज पी ए ओ, पी ए ओ सर्वांग सम है त्रिभुज पी बी ओ के। और यदि त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो इसके बाकी जो अवयव हैं भुजाएं और कोण वापस में बराबर होंगे, तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी, इसलिए पी ए बराबर पी बी। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ ये निकलता है कि पी एक ऐसा बिंदु था जो इस रेखा पर कहीं पर भी स्थित हो सकता है, तो बिंदु पी ए और बी से जो उस रेखाखंड के सीमांत बिंदु है, आखिरी बिंदु है, वहाँ से समान दूरी पर है। तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपके पास मिलता है, यदि हम किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचें तो लंब समद्विभाजक का कोई भी बिंदु रेखा के सीमांत बिंदुओं से, अंतिम बिंदुओं से, उस रेखाखंड के अंतिम बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, इसका उपयोग हम आगे की रचनाओं में करेंगे।